ये किश्तवाड़ क्राउन और मैं हूं आपका होस्ट तौसीफ क्राइपाक। हर साल की तरह इस साल भी सरतल देवी यात्रा जो है बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाई गई और आज इस यात्रा को जो है किश्तवाड़ के सरकूट मंदिर से जो निकाली गई, जो हर साल वहीं से निकलती है और किश्तवाड़ के चौगान ग्राउंड से होते हुए शहीदी मज़ार से होते हुए किश्तवाड़ के शहर के बीचों बीच निकली और हड़ापांड पर पहुंची। वहां पर जो है इस यात्रा में जो है करीबन 1000 से ज़्यादा लोग जो है इस यात्रा में शामिल हुए और हड़ापांड पर पहुंची, जिसमें तमाम जितने भी किश्तवाड़ की जो सनातन धर्म सभा के लोग हैं इसमें शामिल हुए और हड़ापांड पर पहुंचे। वहां पर जो है यहां जो यात्रा को जो हरी झंडी देकर जो है वहां से जितने भी यात्री हैं बसों में बैठकर सवार होकर जो है सरतल देवी का मंदिर जो है वहाँ पर पहुँचेंगे। आज रात को वहाँ पर भजन होंगे, वहाँ पर उसके बाद जो है कल हवन होगा और हवन होने के बाद जो है इस यात्रा का इख्तिताम पजीर होगा। मैं आपको ये भी बताता चलूँ, किश्तवाड़ की जो सरतल देवी यात्रा ये हर साल जो है किश्तवाड़ के सरकूट मंदिर से जाती है और सरतल देवी जो मंदिर है वहाँ पर पहुँचती है और 2 दिन का ये जो है यात्रा रहती है, यानी आज 26 को यहाँ से गई है, 27 को वहाँ पर हवन होगा और 27 को ही वापस आ जाएंगे। इसमें जो है जितने भी किश्तवाड़ के जो जितने भी लोग हैं जो हिंदू सनातन धर्म सभा के लोग जो हैं इसमें शामिल हुए, इसके साथ साथ जो फॉर्मर मिनिस्टर सुनील कुमार शर्मा जी भी इस यात्रा में शामिल रहे, जो सरकूट से जो पैदल यात्रा जो निकलती है हर साल सरकूट मंदिर से होते हुए हमारे चौगान ग्राउंड से होते हुए और ये शहर के बीचों बीच निकलती है और हमारा जो हड़ापांड है वहाँ पर पहुँचे, जहाँ पर उसको हरी झंडी देकर जो है इस यात्रा को रवाना किया जाता है। कैमरा पर्सन अशफाक शाह के साथ तौसीफ रायपाक, किश्तवाड़ क्राउन, किश्तवाड़। किश्तवाड़ की सबसे प्राचीनतम यात्रा है, अगर आपको सच कहूँ तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की सबसे प्राचीनतम यात्रा है जो सरतल देवी की यात्रा है। शीतल देवी की मूर्ति जो है महाराजा महर्षि श्रीपाल के समय से कालीगढ़ में स्थित थी, उसके बाद राजा महासिंह, राजा अग्रदेव, राजा कीरत सिंह के समय से इस यात्रा को हमारे जो किश्तवाड़ के राजा थे उनके द्वारा हर वर्ष चलाया जाता था। उस समय यहाँ पे एक त्रैवार्षिक 3 साल के बाद एक हवन होता था। उस परंपरा को बाद में महाराजा गुलाब सिंह और महाराजा हरि सिंह ने चलाया। उस समय धर्मार्थ ट्रस्ट की स्थापना की गई थी और धर्मार्थ ट्रस्ट की ये जिम्मेवारी होती थी कि वो इस यात्रा को सुचारू रूप पूर्वक सरथल हर वर्ष चलाया जाए, तो उसी परम्परा में उसी पुरानी परम्परा को निभाते हुए आज के दिन यहाँ से सरकूट मंदिर से ये यात्रा निकलेगी और आज शाम को ये सरथल में पहुंचेगी। कल वहां पे हवन होगा और माता के द्वार में सभी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे माता से।